आशा यहाँ पे सब कुछ ठीक है। रेशमा बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल कर रही है, बच्चे खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और नक्श तो इतना खुश है कि पूछे मत। थैंक गॉड नितिन, ये सुन के ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए अब आप भी घर आ जाइए, मुझे नहीं लगता अब आपको और जासूसी करने की जरूरत है। अच्छा अक्षर सुनिए, मुझे दोबारा ऑफिस जाना होगा, बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सीधा घर ही आ जाऊंगा। ठीक है लेकिन जल्दी घर आइएगा, शाम को पार्टी भी है ना। हाँ हाँ पक्का, बाय बाय। क्या हुआ, कैसे चल रही है आउटडोर पार्टी? एथिक बता रहे थे कि बच्चे खूब 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 मजे कर रहे हैं। चलो अच्छा है, करिश्मा की मेहनत सफल हो गई। हाँ और हमारी चिंता कम हो गई भाभी माँ। चलो अक्षरा बहुत हो गया, कुछ खा लो तुम भी। खाना तो है पर सोच रही हूँ कुछ स्पेशल खाऊं। तो बता दो क्या स्पेशल खाना है, हम बना देंगे। नहीं बनाना नहीं है, मंगाना है बाहर से। आप इतना पर क्या? ड्रैगन फ्रूट। कौन सा फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट। हाँ पर ये होता क्या है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। मैंने भी वो एक्चुअली मैंने भी कभी घर पे मंगाया नहीं है ना, इसलिए जब हम अभी घूमने गए थे ना तो रास्ते में बिक रहा था, मैंने खा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब वही खाने का मन कर रहा है। अच्छा तो बता दो कैसे दिखता है, मतलब मार्केट जाएंगे तो पता तो चले कि क्या ढूंढना है। कोई बात नहीं है छोटी माँ, मैं नैतिक से कह के मंगवा लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। गाइस तुम सब लोग यहीं पर रुकना जब तक मैम नहीं आ जाती, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना। ओके जी, आ जाएंगी ना मंडी दीदी, आप अब हमको जाने दो ना प्लीज। नहीं जब तक मैम नहीं आ जाती तुम लोग यहीं पे रुकोगे। ओके एनक्स तुझे पानी से डर लगता है ना? नहीं अभी नहीं लगता, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, चल तू स्विम करके दिखा। रुक अभी दिखाता हूँ। नक्श नक्श नक्श, आप पागल हो, ऐसे कोई पानी में जंप करता है? पर मेरे फ्रेंड ने मुझे चैलेंज किया था चाची, इसलिए। नक्श अगर आपके फ्रेंड्स आपको किसी और बात के लिए चैलेंज करता है वो भी एक्सेप्ट कर लेते। पर चाची आपने भी तो चैलेंज लिया था ना पापा से मेरा बर्थडे मनाने के लिए, वैसे ही मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। नक्श अपनी बात साबित करने के और भी तो तरीके होते हैं ना। Yes! ये देख मैं पांडी से नहीं डरता। अयो भाभी देखो मैं क्या लाया, आपको यही मांगता था ना, मैं लाया। ये कहाँ से मिला? मार्केट से। थैंक यू, ये है ड्रैगन फ्रूट। कैसा अजीब सा लग रहा है नहीं? शायद तभी इसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। चखने में कैसा है? आप चख के देखिए ना, अभी देती हूँ। नहीं नहीं तू खा बेटा। हाँ हमें नहीं चाहिए, सच में कैसी कैसी चीजें हैं ना दुनिया में। हाँ दिव्यानी तुझे याद है जब हम बैंकॉक गए थे तो वहाँ भी क्या क्या था, और कई कई खाने की चीजें तो दिखने में इतनी बेकार रहती है ना पर खाने में लाजवाब। अब हमारा तो सारा जीवन यही निकल गया और बचा कुछ जीवन भी यही निकल जाएगा, पर तुम बच्चे हो हम ना जहाँ जाना है। हाँ अक्षर सच में अब तुम बच्चों के पास टाइम है, जाओ जाके दुनिया देखो। हाँ घूमो फिरो नए नए अनुभव ले लो। जाएंगे भाभी माँ जरूर जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं आप सबको साथ ले चले, क्योंकि आपको तो पता है ना आप लोगों के बिना हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैंडी क्या हुआ, तरुण मिला? मैम मैंने उसे हर जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। What do you mean, मैंडी कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ जा सकता है वो? Guys, 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 आप लोग में से किसी ने तरुण को देखा है? You all know where is तरुण? वीडियो गेम में, वो वीडियो गेम में। वीडियो गेम में। वीडियो गेम में।
अजीब बच्चा है मैंडी, शुरू में भी अकेला जाके खड़ा हो गया। इसको बोटिंग करने का इतना शौक था, बोटिंग करने भी नहीं आया। कहाँ ढूंढूंगी अब मैं उसे। अच्छा सुनो, बच्चे अभी डांस परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं, तुम उन्हें ले जाओगी वहाँ, मैं तरुण को ढूंढ के आती हूँ। गाइस, आप लोग सब लोग मैंडी दीदी के साथ रहेंगे और कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। ओके ओके मैंडी, टेक केयर। बच्चों चलो, सब लोग अपना हाथ पकड़ो, चलो। तरुण कहाँ गया होगा? तरुण घूम गया होगा? नहीं, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। गाइस फास्ट चलो। तरुण, तरुण कहाँ ढूंढूं उसे? नमन को फोन लगाती हूँ, I'm sure he'll find a way out. Number you are trying to call is currently not reachable. नमन के फोन को भी अभी अनरीचेबल होना था, किससे पूछूं? भैया भैया, मैं यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ आई थी, उनमें से एक बच्चा गुम हो गया है। आप अपने कैमरा वगैरह में चेक करके देखिए ना, वो कहाँ है इस वक्त। हेलो, हाय भाभी, यहाँ पे सब ठीक है, डोंट वरी। अरे उस बात पे तो मुझे पूरा भरोसा है। सॉरी, आपने फोन किया ना, इसीलिए मुझे लगा कि। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने बस तुम्हें यही याद दिलाने के लिए फोन किया था कि जरा डुग्गू का थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं वो ज्यादा चॉकलेट्स ना खा ले। जी भाभी, डोंट वरी एट ऑल, मैंने नक्श का पानी और उसकी सारी जरूरती चीजें ले ली है। थैंक यू करिश्मा। अच्छा एक बार जरा बात कराना मेरी डुग्गू से। भाभी एक्चुअली मैं अभी उससे बात नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि नक्श और उसके सारे फ्रेंड्स एक डांस शो देखने गए हैं। जैसे ही वहां से फ्री होते हैं मैं उसे कहती हूँ आपको फोन करे। ठीक है, बाय बाय भाभी। ओ गॉड, तरुण तुम कहाँ हो? घर पे पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये लोग मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तरुण भाई साहब, भाई साहब क्या हो गया, हमें अचानक इतना शोर क्यों मच गया? अरे कोई 8-9 साल का बच्चा ऊपर से गिर गया है। भगवान का शुक्र है कि ऊपर से गिरने के बाद ही बच्चे कुछ नहीं हुआ। इसको कहते हैं किस्मत। भगवान जी प्लीज उसे सेफ रखिए, जब तक मुझे मिल जाए ना तब तक। एक बार मिल जाए ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे, वो याद रखेगा। तंग करके रखा है। मैंडी दीदी, चाची कहाँ पे है? बेटा बस वो आ रही है, पहले ये बताओ अब कौन से राइड पे चलना है। नहीं, मुझे चाची से कुछ बात करनी है। बेटा वो तरुण को ढूंढने गई है, बस आधी ही होगी। तरुण अभी तक नहीं मिला, क्यों? बस मैं आती हूँ। मुझे लगता है तरुण सच में खो गया है, मैंने तो पहले ही बोला था। तरुण, तरुण, ओ गॉड, तरुण। हाँ करिश्मा। भाभी, भाभी प्लीज आप फनफेयर आ जाइए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, बच्चे ठीक हैं? भाभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, भाभी नक्श का एक फ्रेंड खो गया है। मैंने और मैंडी ने सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। क्या क्या बोल रही हो तुम करिश्मा, तुमने अच्छे से हर जगह ढूंढा ना, वही कहीं होगा। भाभी वो कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने सब जगह ढूंढा भाभी, वो कहीं नहीं है। भाभी आप प्लीज यहाँ जल्दी से आ जाइए और घर पे किसी को कुछ मत बताना। बहू धीरे धीरे, कहाँ भागी जा रहे हो इतनी जल्दी में? और ऐसा क्या काम है कि तुम ये भूल गई कि तुम प्रेग्नेंट हो? आराम से चलो, इस तरह तेज चलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अक्षरा। हाँ छोटी माँ, मैं ध्यान रखूंगी, सॉरी गलती हो गई। पर ऐसा क्या हो गया अक्षरा, सब ठीक है ना? वहाँ पार्क में तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई? नहीं 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 छोटी माँ, कोई गड़बड़ नहीं हुई है वहाँ पे, सब ठीक है। मुझे बस अचानक से ना ऑफिस का कुछ जरूरी काम याद आ गया, नहीं करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जाना पड़ रहा है। मैं चलती हूँ। धीरे जी। हेलो नैतिक, आप ये जल्दी से फन पे पार्क आ जाइए, जल्दी से। क्या हुआ चाची, तरुण मिला? वो कहाँ गया? किसी ने उसे किडनैप तो निकल लिया जैसे मुझे किया था? नो नक्श, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यही कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उसे। और अगर वो नहीं मिला तो? मिल जाएगा यश, पर तब तक हम सब मिलके गॉड से प्रे करेंगे कि वो जहाँ भी हो ठीक हो और हमें जल्दी से मिल जाए।
भाई साहब प्लीज दरवाजा खोलिया। सॉरी सर, आज की एंट्री खत्म हो गई है। देखिए हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है, आप अंदर नहीं जा सकते। भैया प्लीज हमारी बात सुनिए, देखिए हमारे बहुत सारे बच्चे अंदर हैं और उनमें से एक बच्चा खो गया है, इसलिए हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज जाने दीजिए। प्लीज प्लीज दरवाजा प्लीज प्लीज। थैंक यू टू गो। क्या हुआ तरुण, मिला कुछ पता चला उसका? मेरा फ्रेंड गुम गया मम्मा, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा कुछ नहीं होगा उसे। हमने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं पे भी नहीं मिला। बेटा मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा वो। बच्चों आप सब लोग यहीं रहना, कहीं और मत जाना। हमें भी साथ में आने दीजिए ना मम्मा, प्लीज ना मम्मा। नहीं बेटा आप लोग पहले ही थके हुए हो, हमारे साथ चलोगे तो और थक जाओगे, वैसे भी ये पार्क इतनी बड़ी है। अब तरुण को ढूंढते ढूंढते कहीं और कोई बच्चा खो गया तो? यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है एनी चांस? नहीं सर, हमने अच्छे से चेक किया और एंट्री एग्जिट पे जो कैमरा लगा है ना उसकी फुटेज भी देखी, लेकिन वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ा सर। तो फिर भैया पर अगर वो लोग बाहर नहीं है, यहाँ नहीं है तो जा कहाँ सकते हैं? तुम टेंशन मत लो करिश्मा, मिल जाएगा। I'm really sorry भाभी, मैंने तो खुद सबका ध्यान रखा था। I don't know how this... मैं समझती हूँ, अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ध्यान रखा था। हम देखते हैं ना, मिल जाएगा। चलिए नहीं उस तरफ ढूंढते, एक साथ रहना सब। एक मिनट एक मिनट, हम थोड़ा प्रॉब्लम में, आप हमारी हेल्प करेंगे? क्या? वो एक्चुअली ना हम यहाँ एक ग्रुप के साथ आए थे, बहुत सारे बच्चे, उनमें से एक का बर्थडे था, तो वो ग्रुप में से ना एक बच्चा कहीं खो गया है। पर हम कैसे हेल्प करेंगे? आप लोग देखिए ना, आप लोग चार जन हैं तो आप अलग अलग जगह जा सकते हैं, इसलिए जितनी देर में हम एक बार घूम के आएंगे आप चार चक्कर लगा सकते हो। छोटा सा बच्चा है, उसने व्हाइट कलर की जैकेट पहनी है, उसका नाम तरुण है, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है, आप प्लीज हेल्प कीजिए ना। हमारा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, आप हाँ आप इसे ना एक चैलेंज समझो, मतलब आप जैसे एक ट्रेजर हंट सर्च कर रहे हो ना वैसे ही। फिर अगर आपने उस बच्चे को ढूंढा ना तो हम आपको गिफ्ट्स देंगे बहुत सारे, आपको प्राइज मिलेगा। छोटी तू देवर जी को बोल दे। चलिए चलो चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ। बात क्या शौर्य की, मैं इतनी जल्दी क्या है जी? आप नहीं समझेंगे, समय से निकलेंगे तभी तो समय पर पहुंचेंगे ना। शौर्य चलिए जल्दी से तैयार हो जाते। अगर मैं नहीं जाऊं तो चलेगा? शौर्य करिश्मा ने जो कहा वो उसका बचपना था, आप प्लीज भूल जाइए ना उस बात को। मैं तो पिछली वाली बात भी भुलाने को तैयार था वर्षा, लेकिन उसी ने बात छेड़ी, वो भी कितने गलत तरीके से। और अगर तू चिकू के जन्मदिन में नहीं जाएगा तो अक्षरा को बुरा लगेगा ना। अगर अब उसने कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो शौर्य बेटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ये मत भूलो कि आज चिकू का जन्मदिन है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका मन दुखेगा बेटा। अच्छा चल छोड़, अब जा जल्दी से तैयार हो जा। अक्षरा कमाल हो गया, बच्चा मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ खो गया वो? एक काम करते हैं बच्चों से एक बार फिर से पूछते हैं। चलिए बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग यहाँ आए थे तरुण ने कुछ ऐसा कहा था कि उसे कुछ करना है या फिर किसी राइड को, ऐसी राइड जिसमें उसको बैठना था? नो नो भाभी, बोटिंग, हम सुबह जब आए थे वो शुरू से बोल रहा था बोटिंग पसंद है उसे। हाँ पापा, वो स्कूल में भी ना हमेशा पेपर बोट बनाता रहता था। प्लीज आप उसे बोटिंग एरिया में एक बार ढूंढेंगे प्लीज।
क्या यही है वो बच्चा? थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की, नहीं तो हम इतनी जल्दी बच्चे को नहीं ढूंढ पाते। वेलकम, एक्चुअली ना हमें भी आपको थैंक्स कहना चाहिए, पहले तो हमारा मन नहीं था लेकिन अब हेल्प करके बहुत अच्छा लग रहा है। किसी की हेल्प करके हमेशा सबको अच्छा ही लगता है। तरुण तू कहाँ चला गया था? मैं उधर बोटिंग करने गया था पर वो चली ही नहीं, मैं वेट करते करते सो गया। अच्छा हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? कम से कम ट्रेजर हंट का गिफ्ट तो लेते जाइए, हमारी तरफ से आपके लिए खास गिफ्ट। रुको, थैंक यू। आपको पता है आज मेरा बर्थडे, अगर आज के दिन मेरा ये फ्रेंड खोता तो मुझे बहुत दुख होता। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू। चलो बच्चा लोग, अभी ठंड भी बढ़ गई है और फन पार्क बंद होने का भी टाइम हो गया है, इसलिए हम भी घर चलते हैं। ओके, और पार्टी भी तो है ना मैंडी, मैं एकदम फॉर्मल लाइन जैसे सुबह आए थे बस। करिश्मा तुम बुरा क्यों मान रही हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें कहाँ इतनी समझ होती है कि उनकी ऐसी हरकत करने से बड़े परेशान भी हो जाते हैं। तुमने अपनी तरफ से सब अच्छा किया, अच्छी कोशिश की, इसलिए तुम परेशान मत हो। हाँ करिश्मा, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, और तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ, घर में इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू भैया, आप लोग कुछ नहीं कहेंगे पर अगर इन बच्चों ने कुछ कह दिया तो? बच्चे भी नहीं बताएंगे, उन्हें भी हम अच्छे से समझा देंगे। थैंक्स भाभी, थैंक्स भैया, अब चलें? नहीं नहीं, अरे जाते जाते एक सेल्फी तो बनती है ना। ये लल्ला बड़ा खुश नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका दिन बड़ा अच्छे से गुजरा है। अच्छा नहीं दादाजी, बहुत अच्छा गया, हम बड़े बड़े झूले में बैठे, बहुत मजा किया और बोटिंग भी की। हाँ, और बहुत थक भी गए। अच्छा तो फिर जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो और चेंज कर लो। ओके। बेटा करिश्मा सब कुछ ठीक रहा ना दिन भर, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नो नो, कोई परेशानी नहीं हुई, इनफैक्ट बच्चों ने इतना एंजॉय किया, बोटिंग की, डांस किया, खाना पीना खाया, हमने बहुत एंजॉय किया। क्या हुआ, रोक क्यों दिया उसे अक्षरा? और बताओ ना करिश्मा, और क्या क्या हुआ? और तो कुछ नहीं, फिर मैंने सब बच्चों को घर ड्रॉप किया और मैं भी घर आ गई। अरे वाह, और जो बच्चा खो गया था उसका क्या? उसकी माँ का फोन आया था यहाँ घर पे, शायद अक्षरा का फोन नहीं लग रहा था इसलिए उसने यहाँ फोन किया। एक्चुअली मॉम, रहने दो करिश्मा, कितनी बार समझाया हमने तुम, कितनी बार कहा था कि अकेले इतने सारे बच्चों को संभालना आसान नहीं है, पर तुम सुनती कहाँ हो किसी की, अपने मन की करती हो बस, जिद करने की, सबसे झगड़ा करने की हिम्मत है तुम में, अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं, एक तो गलती करती हो ऊपर से छुपाती भी हो, तुम्हें क्या लगा था तुम नहीं बताओगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ? कितनी भी कोशिश करो करिश्मा, सच 100 परतों से भी बाहर निकल ही आता है, पहले जिद फिर लापरवाही और अब गलती, उसको छुपाना, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज अगर अक्षरा नहीं आती वहां तो क्या हो जाता? वो तो शुक्र है भगवान का कि बच्चा मिल गया, नहीं तो बेटा करिश्मा इतना गैर जिम्मेदार होना ठीक नहीं, अपने घर में उदाहरण मौजूद है, सीखो कुछ उससे। छोटी माँ रहने दो, अक्षर तुम भी कुछ मत कहो, मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ, कितनी बार करिश्मा की गलतियों पे पर्दा डालोगी तुम, ऐसे तो वो कभी नहीं सीखेगी। और उसके झूठ पे तुम दोनों उसका साथ दे रहे थे, इतनी बड़ी बात हमसे छुपा रहे थे। मैंने कहा था तुम दोनों से कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पे मत डालो, उसमें बचपना है अभी भी, पर तुम दोनों भी कहाँ किसी की बात सुनते हो, अपने मन की करते हो दोनों।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।